तो पिवट टेबल की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ एक्सटर्नल पिवट टेबल। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले देखिए आपके सामने डेटा लगा हुआ है और डेटा में हमारे पास एक सेल्स का डेटा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पिवट टेबल लगा रहे हैं। पिवट टेबल लगा लिया हमने, यहाँ पे नेम वाइज और क्वांटिटी वाइज हमने टोटल दे दिया, राइट। अब मान लीजिए कोई नेम अगर मुझे चेंज करना है, कोई नेम चेंज करना है, जैसे पूजा सिंह को अब विकास है, इसका जगह पे मैं काम करता हूँ विक्की करके एक नाम ऐड करता हूँ, विक्की ऐड हमने कर लिया। तो विक्की ऐड करने के बाद क्या हुआ कि आप अपने डेटा जहाँ पिवट टेबल में लगाया है ना, वहां पे आप जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको भी किया जाएगा, क्योंकि डेटा हमने अपडेट किया है, चेंज किया है। लेकिन अगर कोई नई डेटा एंट्री करो, या मान लीजिए मैंने यहाँ पे एरिजोटीन 3 कर दिया, हमने आज का डेट डाल दिया और हमने नाम जो है मान लीजिए हम यहाँ पे संजय डाल देता हूं और यहाँ पे हमने बाकी जो डेटा है और डेटा हम यहाँ पे डाल देता हूं। अब मैंने एक डेटा नया ऐड किया है, अब हम पिवट टेबल पे जब जाएंगे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो संजय नाम यहाँ नहीं है। एक चीज हम कल भी आपको समझाए थे, जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसी में भी समझाए थे आपको कि हमने जो पिवट लगाया था वो लगाया था 805 तक, लेकिन हमने नया डेटा ऐड किया है 806 का रो का, इसका मतलब है कि हमें पिवट को दोबारा से अपडेट करना हो। तो पिवट टेबल एनालाइज में आप जाएंगे, यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स और यहाँ पे अपना डेटा सोर्स चेंज कर देंगे, मतलब कि आप इसको अपडेट कर एंड ओके ओके करते हैं। यहां पे देखिए संजय आ गया। संजय अब यही प्रॉब्लम है कि एवरी टाइम अपडेट करना तो मुश्किल नहीं होगा, एवरी टाइम अपडेट कैसे करेंगे, तो उस केस में हम यूज करते हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल। इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पिवट टेबल में जब इसको नीचे वाला एरो निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब इसमें आपको यहाँ दिखेगा चूज कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे और आप अपना यहाँ देखिए पहले से जो लगाया हुआ डेटा यहाँ दिखेगा। नई डेटा के लिए ब्राउज फॉर मोर पे आप जाए और ब्राउज फॉर मोर पे जाने के बाद यहाँ अपना डेटा सिलेक्ट कर ले, जहां भी आपका डेटा ये लोकेशन में है, तो डेटा वन डेस्कटॉप पे है, सिलेक्ट किया देन ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से अपनी शीट को सिलेक्ट करें एंड ओके एंड ओके कर दे, तो देखिए आपका पिवट आ गया। तो हमने एक्सटर्नल मेथड से लगाया, तो एक्सटर्नल मेथड से लगाने के बाद अब जो है यहाँ पे हम कोई भी नाम ऐड करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि एक और रो हमने इसको ऐड कर लिया, इस बार नाम जो है इस पर एक काम करता हूँ रंजीत कर देता हूं। अब मैं पिवट टेबल को जस्ट रिफ्रेश करूंगा और यहां देखेंगे रंजीत आ जाएगा, इससे बार बार आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मतलब कि डेटा को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट रिफ्रेश करना होगा। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट यह है कि फिर एक कहीं और फाइल पे दिक्कत हो जाएगी, अगर मान लीजिए कि किसी और को फाइल भेजेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने फाइल के अंदर एक पाथ सेलेक्ट कर रखा है, बाकी सब ठीक है इसका। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे हमें पास एक डेटा है, ऑफिस में क्या होता है कि कुछ बड़े बड़े डेटा शीट होते हैं, ऑफिस में कुछ बड़े बड़े हमारे पास डेटा शीट्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है डेटा को हैंडल करना। जैसे मान लीजिए 500, 700 MB और GB का डेटा है, जब उस डेटा को आप अपने सिस्टम पे लोड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है उसकी, डेटा को हैंडल करना बहुत ही स्लो चलेगा और बहुत हैंग करेगा आपका। तो हम चाहते हैं कि मेरा डेटा किसी और सीट पे, मेरा डेटा किसी और सीट पे हो और हम पिवट किसी और सीट पे लगाएं,
डेटा कोई और सीट पे हो और उसके बाद हम क्या किए, एक नई शीट पे आ गए। तो यहाँ पिवट टेबल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे माफ कीजिएगा, फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स यहाँ पे चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ हम उस लोकेशन पे जाएंगे, फाइल लेंगे। अब देखिए बुक वन पर है और हमने डेटा शीट से लिया हुआ है, सिलेक्ट किया एंड अपना डेटा सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ एंड अगेन हमने इसको ओके कर दिया। तो हमने जो यहाँ पे पिवट लगाया वो कहाँ से लगाया, किसी और सीट से लगाया, किसी और फाइल से लगाया और डेटा किसी और फाइल पे है। इससे क्या होगा कि अब जो है पिवट लगने में प्रॉब्लम नहीं होगी, फर्स्ट टाइम जो पिवट हम कैच करेंगे उस पर प्रॉब्लम होगी, हैंग करेगा, उसके बाद डेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे एक और फायदा है, डेटा आपका सिक्योर रहे, ओरिजिनल डेटा जो डेटा वन जिससे आया हुआ है पेपर वो सिक्योर है, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो डेटा मेरा यहाँ पे या यहाँ कुछ भी करेंगे तो हमारे उस ओरिजिनल फाइल पे डिफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, तो ये हमारा सिक्योर है। तो ये एक्सेल पेपर टेबल हमारा है एक्सेल टू एक्सेल। लेकिन अगर आपके पास अनदर जैसे कि एमएस एक्सेस डेटाबेस है तो आप इसमें एमएस एक्सेस डेटाबेस से भी पिवट लगा सकते हैं। गो टू एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक्सेस के डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा एमएस एक्सेस का डेटा है उसको सिलेक्ट कर लिया, ओपन किया और ओके कर दिया, एमएस एक्सेस से मेरा पिवट लग गया। इसमें आप लगा सकते हैं कस्टमर नेम, क्वांटिटी, आगे उसी तरह से अगर आपके पास मान लीजिए कि एक्सेस नहीं है, मान लीजिए आपका कोई एसक्यूएल सर्वर वगैरह से है तो आप एसक्यूएल सर्वर, ओरिकल, ऐसी जगहों से भी आप लगा सकते हैं। चूज कनेक्शंस में ब्राउज फॉर मोर और यहाँ न्यू सोर्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर हो गया, आपका एसक्यूएल सर्वर हो गया, एनएसएस हो गया, ये आपका ओरिकल हो गया, वहां से डेटा को आप इजिली लगा सकते हैं। समझ गया सर, जी जी सर, ये हमारा एक्सेल डेटा सोर्स था। उसके बाद आता है बारी कि मान लीजिए कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि को कैसे लगेगा, मान लीजिए कि फॉक्सरो की फाइल है या किसी और सॉफ्टवेयर की डेटा शीट्स है या इसका गूगल सीट का ही है, बहुत सारे होते हैं ऐसे डेटा शीट जो समझ में नहीं आता कि कौन सा फाइल टाइप है, तो उसका पूरा पाथ लीजिए और उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है। जी सर, जैसे एक्सेल ही हो कोई और ही क्यों ना हो, मतलब यहाँ पे पाथ पेस्ट कर दीजिएगा ना तो फिर अपने अपने आप वो क्या करेगा, कैच कर लेगा, राइट सर। जी सर, तो ये हमारा एक्सटर्नल पिवट टेबल था। अब यहां तक जो है हमने 2007 मतलब कि पुराने वर्जन की जो फाइल एक्सेल था वो हमने खत्म कर लिया। अब अगला टॉपिक जो आता है वो आता है 2013 और 2019 21 ऑनवर्ड।